हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी होने वाली है नेक पेन के ऊपर। नेक पेन जो है वो काफ़ी कॉमन है हर किसी में, एंड आपको तीन एक्सरसाइज बताऊंगा वो आपको हेल्प करेंगी। अगर आप स्कूल में हैं, वर्किंग प्लेस में हैं अपनी, या कहीं ऑफिस में हैं, खेल रहे हैं, कहीं भी हो, आप आसानी से आप इन तीन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपनी नेक पेन को आप दूर कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई 16 से 18 के या 16 से लेके 34, 60, 70 एज तक हो, तो इन एक्सरसाइज को करने आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हो, एंड ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। अगर आप एक नए व्यूअर हो तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहोगे कि आप ऐसा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मिस करो। तो जुड़े रहो वीडियो के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखो, एंड अपनी पेन को दूर करने का पूरा मज़ा लो, सीखो, एंड इस वीडियो को देखने का कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन साथ में लेके जाओ। तो स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज के साथ, जो मेरी रहेगी 6 पॉइंट नोट। अब 6 पॉइंट नोट जो है मेरी, वो बेसिकली कुछ नहीं है, मैं अपनी नेक के हर 6 पॉइंट्स को अपने डायरेक्शन में मूव करके अपनी नेक का पेन जो है वो एक तरह से हटाने की कोशिश करूँगा। जिसकी मेन पोजीशन है वो आप करना क्या है, आपको थोड़ा कैट स्टाइल में, जो आप कैट स्ट्रेच करते हो उस आपको पोजीशन में आना है, एंड आपको जो है अपना फेस जो है वो 6 डायरेक्शन में मूव करना है। आप पहले नीचे एक अच्छा सा मैट बिछा लेना, क्योंकि आपको फिर बाद में मार पड़ने वाली है मेरी तरह। सबसे पहले अपने फेस को सेंटर में रखो, देन जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो ऊपर रहेगा, ये 6 पॉइंट है जो मैंने टारगेट किए हैं, आपको सेम ऐसे ही परफॉर्म करना है। मेक श्योर कि जो आपका एक सेंटर, आपका जो सिर यहाँ पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 डायरेक्शंस हैं जो आपको परफॉर्म करनी है, एंड आपको हेल्प करेगी अपनी नेक पेन को दूर करने में। ये थी मेरी पहली एक्सरसाइज। अब बात करता हूँ मैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। तो अब जो मेरी दूसरी एक्सरसाइज है जो नेक के लिए है, वो है मेरी प्रोन रिट्रैक्ट एंड रीच। अब प्रोन रिट्रैक्ट एंड रीच में मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसमें मैं नीचे लेट जाऊँगा, लाई करूँगा, एंड उसमें जो होगा मेरे हाथ जो होंगे वो बैकवर्ड की डायरेक्शन की तरफ जो होंगे वो फोर्स करूँगा मैं। आप वीडियो देखकर जो मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा आप उसको देखकर अच्छे से समझोगे। तो सीधे एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर माई 3rd एक्सरसाइज, जो है मेरी चिन टक एंड फ्लेक्शन। अब चिन टक एंड फ्लेक्शन में मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रेट जो है मैं अपना बॉल सीट की पोजीशन में बैठूंगा, एंड बॉल सीट की जो पोजीशन में बैठूंगा उसमें जो होगा अपनी जो मेरा नेक होगा उसको मैं रोटेट करूँगा, बट हल्का सा फोर्स देकर हाथों से, मतलब फिंगर्स की जो आपकी टिप्स होती हैं इससे आप हल्का सा फोर्स दोगे। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, चेस्ट आपकी पूरी स्ट्रेट रहेगी, फेस सामने रहेगा, देन हल्का सा अपनी फिंगर टिप से आपको अपने सिर के ऊपर पकड़ना है, इसको प्रेस करना है। मेक श्योर कि जो अभी प्रेस कर रहे हो ये उतना ही लिमिट में करो जो आप अपना जो पेन होगा, जो स्ट्रेच होगा वो बियर कर सको, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लो स्ट्रेच करोगे, ज़्यादा पेन लोगे तो वो इतना ठीक नहीं है। धीरे धीरे अपनी जो कैपेसिटी है आपकी उसको इंक्रीज करो। मेक श्योर कि आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से फॉलो करो, यूज़ करो, एंड जो आपके रिजल्ट होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो डू गिव अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उस फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर, जिसे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे